Hello everyone, you're watching Food Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik. So 10 best carbs for weight loss. हैरान है ना, बिकॉज कार्ब्स जो होते हैं उन्हें सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता है वेट गेन के लिए. जो सबसे कॉमन एडवाइस दी जाती है जब आप वेट लॉस के लिए स्टार्ट करते हैं, कट डाउन ऑन योर कार्ब्स, कार्ब्स बंद कर दो, या फिर कार्ब्स आर मेकिंग यू फैट. ये बहुत कॉमन चीज़ है. और जो बिल्कुल कार्ब्स बंद करने को कहते हैं, चाहे वो डाइटिशियन हो, कितने ही बड़े हेल्थ एक्सपर्ट हों, आई थिंक उन्हें थोड़ा रिवाइज करना चाहिए अपना सारा सिलेबस. बिकॉज कार्ब्स अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी पे इतने ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि एक्चुअली बताऊँ तो गिनना भी डिफ़िकल्ट होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि कार्ब्स जो होते हैं वो नंबर वन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दूसरा फाइबर होता है उनके अंदर जो बोल मोमेंट में हेल्प करता है, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है. अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. स्पेयर प्रोटीन फॉर अदर इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी प्रोटीन को अपना काम करने देता है कार्ब्स और उसका जो काम है वो खुद करता है. अदरवाइज प्रोटीन को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और उसका जो काम होता है मसल बिल्डिंग के लिए वो नहीं होगा. बायोलॉजिकल रिकग्निशन प्रोसेसेस में हेल्प करता है कार्ब्स. साथ ही फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं कार्ब्स, प्रिवेंट करते हैं कीटोसिस को. अगर आप कार्ब्स नहीं खाते तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फटीक, यानी हमेशा थका हुआ रहना, लो एनर्जी, मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पुअर मेंटल हेल्थ यानी आपको फोकस करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन एंड फैट एक्यूमुलेशन यानी आपका वज़न उससे बढ़ सकता है. क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि आप इसे नहीं देंगे एनर्जी तो वो खुद की एनर्जी के लिए फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है ताकि वो उसको एनर्जी के लिए यूज़ करें. सो यू कैन गो स्लाइटली लो ऑन कार्ब्स एंड यू शुड ईट हेल्दी कार्ब्स अगर आपको वेट लॉस करना है, लेकिन कार्ब्स ज़रूर खाने चाहिए, ये जो चीज़ है ना. कुछ कार्ब्स होते हैं गुड कार्ब्स जो आपको खाने चाहिए, जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे और बाकी सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके. और कुछ होते हैं बैड कार्ब्स, स्पेशली जितने भी रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड होता है, जितना भी जंक फूड होता है वो आता है बैड कार्ब्स के अंदर, और जितने भी होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं गुड कार्ब्स के अंदर. सो गुड कार्ब्स जो होते हैं दे आर हाई इन फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं तो आपको फुल रखते हैं काफ़ी देर के लिए, न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वेट लॉस में आपको असिस्ट करते हैं, दे इम्प्रूव ब्लड शुगर, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस उनसे इम्प्रूव होती है, और साथ ही सस्टेन एनर्जी यानी काफ़ी लंबे टाइम तक आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं. वहीं अगर आप रिफाइंड कार्ब खाएंगे, यानी बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स ये सब ले रहे हैं तो दे आर लो ऑन फाइबर, साथ ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका इतना हाई होता है कि आपको तुरंत थोड़ी देर में भूख लग जाएगी. सो चांसेस ऑफ ओवर ईटिंग इज ऑल्सो वेरी हाई. न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट निल होते हैं उनके अंदर, दे स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म, साथ ही वेट गेन उससे होता है, स्पाइक्स अप इंसुलिन यानी शुगर भी आपकी बॉडी में, शुगर रश जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, दे आर लो ऑन एनर्जी यानी आपको बहुत जल्दी थका हुआ फील कराएंगे और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी इससे ड्रॉप हो जाएगी. आई थिंक मैं एक अपनी वीडियो का लिंक आपको ज़रूर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ कार्ब्स क्यों खाने चाहिए उसके बारे में हमने बात की है. लेकिन फ़िलहाल हम आपसे बात करने आए हैं कि कौन से ऐसे कार्ब्स होते हैं जो बेस्ट हैं फॉर वेट लॉस. तो काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से. सो बार्ले यानी जौ. बार्ले एक अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, साथ ही मैग्नीज होता है इसके अंदर, सिलेनियम होता है, और कॉपर, विटामिन B1, क्रोमियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. खासकर समर्स में इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है तो इसे लेना काफ़ी बेहतर माना जाता है समर्स में. और इसका अगर आप पानी पियेंगे, बार्ले वाटर जिसकी रेसिपी हमने दी है, आई थिंक मैं पूरा प्लेलिस्ट की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये हंगर को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है आपके डाइजेशन को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्रिवेंट करता है गॉल स्टोन्स को, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट करता है. स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी भी कहते हैं हम, बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, बीटा कैरोटिनिन, विटामिन सी एंड पोटेशियम का भी. तो इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, सिलेनियम भी होता है.
एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी हाई होता है, इसीलिए ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। फाइबर में हाई होता है, ये लेस स्टार्ची होता है एज़ कम्पेयर टू पोटैटो, जो हम पोटैटो खाते हैं उससे कम स्टार्च भी होता है इसके अंदर और कम कैलोरी भी होती है। आप इसे एज ए स्नैक खा सकते हैं बट इन मॉडरेशन, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कार्ब्स खाएंगे तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू वेट गेन, सो मॉडरेशन इज़ द की। जब भी कोई कार्ब आता है तब। एट्थ पर है बनाना, हेल्दीएस्ट फ्रूट मैं इसे मानती हूँ। बनाना इज़ हाई इन पोटेशियम, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं होने देता, बैलेंस बनाकर रखता है, इट हाइड्रेट्स यू। विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अंदर बहुत सारे और भी प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अगर आप अनराइप बनाना खाएंगे, यानी जो कच्चा बनाना होता है, तो उसके अंदर स्टार्च जो होता है वो थोड़ा कम होता है, पेक्टिन उसके अंदर ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ें आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ ही आपके गट के लिए, आपके स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ड्यू टू मैंने जैसे बताया पोटेशियम कंटेंट हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए और आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं बनाना से, तो इसे मॉर्निंग में आप खाएं तो काफ़ी हेल्प करेगा, और एक बनाना इज़ इनफ इफ यू ट्राइंग फॉर वेट लॉस। कीनुआ, नाउ कीनुआ एक तरह का सीड माना जाता है, लेकिन और पहले ये इंडिया में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, अब तो इंडिया में बहुत ईजीली अवेलेबल होने लग गया है। कीनुआ एक कम्प्लीट प्रोटीन होता है, यानी 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं और इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। इसका कार्ब टू प्रोटीन रेशियो काफ़ी अच्छा है, यानी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का फॉर वेजिटेरियंस एंड वेगन्स। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे और भी वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये ग्लूटेन फ्री भी है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। किनुआ के भी बहुत सारी रेसिपीज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अलग अलग, सो आई विल ट्राई कि उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, तो अगर आपको किनुआ की रेसिपीज़ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ स्क्वैश, स्क्वैश भी यानी जो कद्दू बोलते हैं, काफ़ी इसकी वेराइटी आती है, बटरनट स्क्वैश आता है, पम्पकिन आता है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, विटामिन सी, ए, मैग्नीशियम, फोलेट, कॉपर, बीटा कैरोटिनिन बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ऑरेंज और रेड जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है पोटेशियम एंड रिबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होता है, इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट वेजिटेबल। कद्दू आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा, इवन फेस्टिवल्स पे इसकी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बनती थी, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। सो जो चीज़ आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करती है, हाउ कैन इट बी बैड, एंड इट इज़ नॉट दैट हाई इन कैलोरीज एज वेल। स्क्वैश में ज़्यादा कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ब्स, बट इट इज़ वेरी गुड, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसे सैलड में खा सकते हैं, इसका सूप बना के खा सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत तरीके से इसे खाया भी जा सकता है। नाउ नंबर 5 पर है लिग्यूम्स, यानी छोले, राजमा जो हम खाते हैं, यानी चिक पीस या किडनी बीन्स, इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर, एक अच्छा क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस एंड वेगन, इसीलिए उन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इसे बना कर रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। आप इसकी इसे राइस के साथ खाएंगे तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। लिग्यूम्स को इसीलिए हमेशा किसी ग्रेन के साथ ऐड किया जाता है बिकॉज उसमें जो भी मिसिंग होते हैं अमाइनो एसिड्स वो दूसरे में आपको मिलते हैं। सो एक कंप्लीट प्रोटीन का अगर सोर्स बनाना चाहते हैं तो इसे राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं, सैलड्स में खा सकते हैं, जैसे आप किनुआ सैलड बना लें उसके ऊपर इसके इसे ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओट्स, नंबर 4 पर आता है, और जो इस चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं लोग वो जानते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ ओट्स बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। ओट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीज, सिलेनियम, विटामिन B1, डाइट्री फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फॉस्फोरस। नाउ ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ बेनिफिट्स। साथ ही फाइबर में रिच होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं, साथ ही जिन्हें डायबिटीज़ होती है उन्हें रिकमेंड किया जाता है, प्रिवेंट करते हैं Type 2 डायबिटीज़ को, और आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और मैं हमेशा
सजेस्ट करती हूँ कि इफ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रोकन यानी स्टील कट ओट्स या रोल ओट्स को प्रिपेयर करें और खाएं, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्विक ओट्स से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। एमरेंथ यानी चौलाई, इसे रामदाना भी कहते हैं, और बहुत वैरायटी आती है इसकी, ग्रेन्स आते हैं, लीव्स आती हैं और फ्लावर यानी आटा भी आता है, और आप इसको पफ करके भी खा सकते हैं। इट इज़ हाई इन प्रोटीन, फाइबर इसके अंदर होता है, ग्लूटेन फ्री है, कैल्शियम में बहुत रिच होता है, ट्वाइस एज मिल्क। इट इज़ रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स लाइक मैग्नीजियम, फॉस्फोरस, और डाइजेशन इसका बहुत आसान होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर लाइसिन होता है जो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, और फैटी एसिड्स उनको कन्वर्ट करता है एनर्जी में ताकि वो जमा ना हो फैट आपकी बॉडी के अंदर, और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में भी इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है कैल्शियम का एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ब्स। सो ये कैल्शियम आपकी बॉडी को लगेगा, साथ ही आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल इससे लो होता है, आईसाइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसकी भी मैंने काफ़ी रेसिपी शेयर की हुई हैं। व्रत में काफ़ी खाया जाता है इंडिया में, जब नवरात्रे होते हैं तब। फिंगर मिलेट यानी रागी, इसके बारे में मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ कि ये क्या होता है। बेसिकली ये ग्रेन होता है, एक तरह का मिलेट होता है, और ये देखने में राई की तरह, मस्टर्ड सीड्स की तरह लगता है। इसका आटा भी मिलेगा आपको। मैं कोशिश करूंगी इन सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, क्योंकि लोग कहते हैं बाज़ार पे भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है, खासकर फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कि सब लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत हेल्दी माना जाता है बच्चों के लिए फूड, तो ज़रूर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ के लिए बेस्ट ग्रेन माना जाता है। रागी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन टू इंक्लूड इन योर डाइट। प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर यानी फीडिंग मदर्स जो हैं, आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बेबी फूड है बहुत अच्छा, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, एनीमिया जिन्हें होता है लेडीज़ को, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है तो उसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नंबर वन पर है ब्रोकली एंड लीफी वेजिटेबल्स। हालांकि ये कार्ब्स में इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, दे आर लो ऑन कार्ब्स, बट जब भी कार्ब्स की बात आती है आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट, क्योंकि इनके अंदर इतनी कम होती हैं कैलोरीज लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कि आपको वेट गेन के चांसेस होंगे ही नहीं। दे आर लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स, जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं जितनी, और इसे थोड़ा सा पका कर खाएं आप, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो, ब्रोकली, हल्का सा आप इसे सौते या स्टीम ज़रूर करें, आप देखेंगे जब आप इन्हें ऐसा करेंगे तो इनका कलर बेटर हो जाता है। दैट मीन्स इनके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा उभर कर आते हैं व्हेन यू स्लाइटली कुक देम। दे आर लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, पावर हाउस होते हैं बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स के, आपको यंग रखते हैं, बोन स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, सेल रीजनरेशन में आपको हाइड्रेट रखते हैं, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, अल्कलाइन करते हैं आपकी बॉडी को, और साथ ही आपकी नर्व्स के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। अब आते हैं बोनस की तरफ। इनके अलावा कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं, कार्ब्स हैं, जो आप अपनी डाइट में अगर शामिल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। जैसे एप्पल, बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बीटरूट यानी चुकंदर, लेंटिल्स यानी दालें, स्पेशली मूंग दाल जो होती है, सोया, अगर आपको GMO फ्री मिले सोया, आप मैन एंड वुमेन बोथ एक सर्विंग ईजिली ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इनफैक्ट फीमेल्स के लिए, बिकॉज इट इज़ हाई इन एस्ट्रोजन, स्पेशली रिकमेंड करती हूँ मैं, मीनोपॉज में तो उन्हें पक्का खाने चाहिए, सोया अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, पफ्ड ग्रेन्स जितने भी होते हैं, क्योंकि होल ग्रेन आपको मिलते हैं लेकिन वो भी पफ्ड ईजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में। पॉपकॉर्न्स काफ़ी हेल्दी हैं एज ए स्नैक, अगर एयर पॉप्ड हों, और ये ग्रेन्स भी अगर एयर पॉप्ड या फिर सैंड और सॉल्ट में जो मेथड है, ना कि इनको आप तलें। सो मेरे ख्याल से जो कार्ब्स के लिए मना करते हैं, या तो उन्हें जाके सब बेसिक्स अपने क्लियर करने होंगे, या फिर वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। मुझे ये भी कई बार लगता है, बिकॉज जितने भी मैं लोगों से सुनती हूँ कि कट डाउन ऑन कार्ब्स, कार्ब्स बंद कर दो, वो अल्टीमेटली ना हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन निकलते हैं। सो व्हाट अबाउट वेगन पीपल, व्हाट अबाउट पीपल हु आर वेजिटेरियंस, कैन दे कट बैक ऑन कार्ब्स टू दैट एक्सटेंट, क्या वो कार्ब्स बंद कर सकते हैं? इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल।
सो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कार्ब्स जो है वो यूज़फुल लगेगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे. साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें. स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय बाय.